यस सर। एक राय की मतलब वीडियो है, सीडी है, इसको पहले देना फिर डिलीट करना, इस तरीके का एक ऑडियो आया उसमें आवाज आ रही है, तो आपकी बताई जा रही है। नहीं, आपने देखा है कि मैं ऐसी, आपने शुरू से देखा मैं ऐसी हल्की बात कभी करती नहीं है, ना ऐसी हल्की बात पे कभी उतरती हूँ। जो भी कह रहा होगा बिल्कुल मेरे बारे में झूठ कह रहा, कोई सत्य नहीं है और ये बात बिल्कुल सत्य नहीं हो सकती। ये आपने देखा होगा कि को के वीडियो चले, को के वीडियो चले, मैंने आज तक दो चार दिन के अंदर किसी से एक किसी की बात करी हुई तो आप बता दो, और अगर मैंने करी है तो किससे करी, वो आदमी मेरे सामने ला के खड़े दे, मैं जवाब उसको दे दूँ। ये चुनाव क्यों नहीं लड़ा, चुनाव लड़ना चाहिए विधायक जी को, 100 बार चुनाव लड़ना पड़े, मेरी पार्टी से थोड़ी लड़े, मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ूंगी अगर टिकट मिला तो, और वो कांग्रेस से लड़ेंगे, मुझे कोई मतलब थोड़ी उनसे। अगर मेरी पार्टी के होते तो मैं बात करती, तो मैं ऐसा कुछ ग्रंथ करती उनके बारे में, वीडियो निकालती, किज निकालती, मुझे तो उनसे कोई मतलब ही नहीं है ना, काट रहा है उनकी पार्टी के दोषी बना रहा है हमें। उन्होंने अपनी जान को खतरा भी बताया और पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग की। दमंग लोग हैं मेरे पीछे पड़े हुए आपके सारे, और देना भी चाहिए सुरक्षा, सुरक्षा होती तो और अच्छी, चार बाहर खड़े रहेंगे फिर कछु भी होते रहे। मध्य प्रदेश में हाल ही में कांग्रेस विधायक का एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था, इसके बाद अब पूर्व मंत्री का कथित ऑडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद प्रदेश में सियासी बवाल मच गया है। सोशल मीडिया पर वायरल कथित ऑडियो को पूर्व मंत्री इमरती देवी का बताया जा रहा है, हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। अब पहले आप ये वायरल ऑडियो सुनिए। फिर नेक देर को फिर डिलीट कर देना, उसको डाल के इसको देखो, देख के और तुरंत डिलीट कर देना, जो फिर कहना कि पैसा दे दूं या जो वीडियो वायरल कर या रखना कि आप पतो लगाना। ये अशोक पारासा छोड़ के जितने भी कांग्रेसी है पतो लगाना, पूरे कांग्रेसी जा के खिलाफ है कि अगर जाए टिकट मिलो तो एक भी कांग्रेसी जा का काम नहीं करेंगे, सब इमरती देवी का काम करेंगे। चुनाव में ना ज्यादा वो करे ना ज्यादा जाया और ना टिकट मांगे, इतनी बात क्या तो लगाएगा, फिर हमसे लोगों ने सबने कह दी की वो गलत है। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर जिले के डबरा में ऑडियो वायरल हुआ है। एक वायरल ऑडियो में बातचीत के दौरान महिला कहती सुनाई दे रही है कि उसको पहले वीडियो भेजो, बोलो देख ले, फिर डिलीट कर दो और बोलो कि रुपए दे या फिर इस वीडियो को वायरल कर देंगे। इसी तरह दूसरे वायरल ऑडियो में बातचीत के दौरान महिला कहती है, आप पता लगाना अशोक को छोड़कर बाकी कांग्रेसी इसके खिलाफ हैं, इसको टिकट मिला तो सब कांग्रेसी इमरती देवी का काम करेंगे। ऑडियो पूर्व मंत्री इमरती देवी का बताया जा रहा है, वे कांग्रेस विधायक सुरेश राजे के सिलसिले में ये बातें कर रही हैं। आपको बता दें, हाल ही में कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद विधायक राजे ने अपनी सफाई में अज्ञात लोगों पर 50 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया था, साथ ही सियासी साजिश की भी बात विधायक ने कही थी। अब इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश की राजनीति में सियासी बवाल मचा हुआ है।